सुंदरपुर गांव में एक भीकू नाम का आदमी रहता था, जो सारा दिन अपने मालिक के खेतों में काम करता था और रात को वापस आ जाता था। एक दिन भीकू बोलने लगा, अरे यार, आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, काम भी बहुत ज्यादा था और सेठ साहब ने अभी तक पैसे भी नहीं दिए हैं मुझे। चलो कल जाता हूँ सेठ साहब के पास और अपने पैसे ले के आता हूँ। अगली सुबह होते ही भीकू सेठ साहब के घर पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता रहता है कि सेठ साहब उसे पैसे देंगे या नहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान था। अरे भीकू, कैसे आना हुआ? आज तो सुबह सुबह मेरे घर तशरीफ लाए हैं आप। आपने तो काम पे जाना था और मेरे घर कैसे? और क्या काम किया, छुट्टी की है तूने? नहीं सेठ जी, काम किया छुट्टी नहीं की। काम की तो मैं कभी छुट्टी करता भी नहीं हूँ। मैं आज इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे घर में पैसे खत्म हो गए हैं और आपने पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं दी है, इसीलिए मैं आपसे आपने पैसे लेने आया हूँ। अच्छा, तो आप पैसे लेने आए हैं। अच्छा ठीक है, आप ऐसे करें, आप अभी चले जाएं और काम पे लग जाएं। मैं आपको कल सुबह कुछ ना कुछ देने जरूर आऊंगा। भीकू सेठ साहब की बात पर यकीन कर लेता है और खेतों में जाकर खूब मेहनत करता है और शाम को घर वापस चला जाता है। और जैसे ही अगली सुबह होती है, सेठ साहब बाजार की तरफ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो आम की रेड़ी वाले के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे आम वाले भैया, तुम्हारे पास कोई अच्छे क्वालिटी का आम है तो दिखाओ मुझे। जी हाँ बिल्कुल सेठ जी, मेरे पास दो किस्म के आम हैं, एक 100 रुपए के 1 किलो और एक है 100 रुपए के 5 किलो। आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? अच्छा, आप ऐसा करें कि 100 रुपए के 5 किलो वाला दे दे मुझे। अच्छा सेठ जी, देता हूँ और उनको देख कर खाना, कहीं उनमें कीड़े भी हो सकते हैं और आप बीमार भी पड़ सकते हैं उन्हें खाकर, सोच लें एक बार। सेठ जी एक बक्से में आमों को बंद कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद सेठ जी अपने घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही सेठ साहब चले जाते हैं, उनकी बीवी वहां पे आ जाती है और कहती है कि ये सेठ साहब मेरे लिए आज सुबह सुबह ताजे आम ले आए हैं और वो उन्हें खा लेती है। आम खाने के बाद सेठ साहब की बीवी सीधा अपने कमरे में आती है और सो जाती है। इतनी देर में सेठ साहब भी अपनी बीवी के पास आ जाते हैं और उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे सेठ जी, आप जो आम ले आए थे मैंने उसे खा लिया था, उसके बाद मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। ये क्या कह रही हो, तुमने उन आमों को खा लिया है? मैं तो उनको बीतू के लिए ले आया था, तुम कैसे खा सकती हो? और सेठ जी अपनी बीवी से माफी मांगती हैं और वो अपने की पर बहुत शर्मिंदा होती हैं।